ठीक है, अपन ये कौन सी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, 1.3। अब 1.3 में क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें इस रूट 5 को प्रूव करना है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर एक्चुअल में होते क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। क्या होते हैं इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके वो नंबर्स होते हैं जिनका या तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब ये रूट 5 लिखा है तो रूट 5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना नहीं होता। जैसे 4 है, रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, लेकिन यहाँ पे 5 का नहीं होता। तो दैट्स एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा ये वो होते हैं जिनका आप जब डिवाइड जब इनको आप किसी नंबर से डिवाइड करते थे बार बार क्या होते रिपीट होते जाते ख़त्म ही नहीं होते। और जो कभी ख़त्म नहीं होता वो कौन सा नंबर होता है आपका, रूट मतलब इरेशनल नंबर होता है। तो मेरे को रूट 5 को फिर भी प्रूफ करना है इरेशनल। और एक इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम ए अपॉन बी के पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसके फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपॉन मतलब जो कोई भी रैशनल नंबर जो होता है। अब ऐसे मान लीजिए इसको तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे ये इतनी सारी कंडीशन हो गई हैं कि आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं रूट 5 को अगर हम मुझे इरेशनल प्रूफ करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो वही मेथड है सिंपल आपको सॉल्व करने का। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, क्या करेंगे हम इसको, हम इसको मान लेंगे कि भैया ये रैशनल नंबर है और फिर हम सॉल्व करें। तो हम इसको कर लेते हैं लेट, इसको मैं a अपॉन b का इक्वल मान लेता हूँ। किसके इक्वल मान लेता हूँ, a अपॉन b के इक्वल मानने का मतलब है कि ये मेरा रैशनल नंबर है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ करनी है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए आप। क्या कर दी दोनों तरफ, तो आप स्क्वायरिंग या मत अभी ऐसा करिए आप a कॉस टू b रूट 5 लिख देंगे। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a कॉस टू b स्क्वायर 5। तो इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर ये चीज़ लिखी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है इसका मतलब ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये चीज़ हो गई एक। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब आप जो ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो मतलब इसमें 5 कहीं ना कहीं होगा, मतलब 5 फैक्टर जरूर कहीं ना कहीं होगा। अगर 5 फैक्टर तो मैं यहाँ पे इसको लेट कर लेता हूँ, लेट 5c इक्वल्स टू ए, कोई नया एक कोई भी वेरिएबल जो नंबर होगा और तो बाकी 5 तो ज़रूर होना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। ठीक है, तो यह आएगा 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। इसको इधर लेके जाओ तो 25 अपॉन में 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो 5 5 द 25 तो जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब देखिएगा और करके इसको लिख दूं मैं, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखेंगे जस्ट सेम कंडीशन बन गई यहाँ वाली। अब इसका मतलब क्या होगा, अब इसका मतलब होगा कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो बी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो ए है वो भी 5 से डिविजिबल है और जो बी है वो भी 5 से डिविजिबल है। मींस दोनों में 5 क्या है, कॉमन है। और आपके एक रैशनल नंबर जो होता है उसमें कोई भी जो नंबर होता है वो क्या होता है, फैक्टर कॉमन नहीं होता। बट यहाँ ए में भी 5 आ रहा है, बी में भी 5 आ रहा है, तो इसका मतलब हम गलत हैं, ये रैशनल नंबर नहीं, ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है। तो इसको कहते, इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट्स है। क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है विरोधाभास होना। विरोधाभास मतलब जो हमने जो बात मानी है वो क्या है आपकी गलत है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखेंगे ए लिखेंगे देयर इज 5 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्ट। अगर ये व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्ट, अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट है हेंस क्या हो जाएगा, हेंस रूट 5 इज इरेशनल।
तो इसका मतलब है कि रूट फाइव आपका क्या है, इर्रेशनल है। अब इसी तरीके देखो सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए जो भी नंबर हमें गिवन है उसको ए अपॉन बी मान लेना है कि लेट रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। तो इसके बाद हमने इसको इधर ट्रांसफर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर फाइव हो गया। तो यहाँ पे आपका इसका मतलब ये है कि जो ए स्क्वायर है वो फाइव से डिविजिबल है। अगर हम फाइव से भी डिवाइड करें तो फाइव से फाइव कैंसिल हो गया, तो अगर ए स्क्वायर फाइव से डिविजिबल है तो ए भी फाइव से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करा, अगर वो फाइव से डिविजिबल है तो मैं उसको फाइव से कुछ भी एक वेरिएबल मान सकता हूँ, लेकिन उसमें फाइव क्योंकि कॉमन फैक्टर रहेगा, तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो आपने देखा फाइव सी स्क्वायर, ये तो स्क्वायर किया तो 25 सी स्क्वायर और 5 बी स्क्वायर, 5 के इधर लेके आया तो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो 5 से 25, तो यहाँ भी 5 सी स्क्वायर, जस्ट सेम इक्वेशन ये बन गई। तो इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर भी आपका किससे डिविजिबल है, 5 से। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो मतलब बी भी 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये दोनों में यहाँ भी 5 कॉमन आ रहा और यहाँ भी 5 कॉमन आ रहा है, तो अगर ये दोनों में अगर फैक्टर कॉमन आ रहा है तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकते, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्ट। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट है इसका मतलब हमने गलत बात मानी है, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं, कौन सा नंबर है आपका, ये इरेशनल नंबर है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, आया समझ में आपको ये। तो आप ऐसे ही आपको पेपर में जनरली जो सीबीएसई पूछता है वो रूट फाइव, रूट थ्री, रूट टू, ये तीन नंबर मेनली जनरल आज तक पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, रूट फाइव, रूट थ्री और रूट टू। तो वैसे ही करना, यहाँ पे रूट फाइव है तो वहाँ पे जैसे रूट टू आया सपोज, तो यहाँ पे रूट टू, रूट टू, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा, फिर वही ए स्क्वायर डिविजिबल। बिल्कुल जो थ्योरी है, थ्योरी आपकी सेम रहने वाली है, उसमें थ्योरी में सिर्फ नंबर चेंज होगा, बाकी पूरा थ्योरी और पूरा जो क्वेश्चन का ओवरव्यू करेगा बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप अब इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन क्या आएगा, 3 + 2√5। क्वेश्चन दिया हमें नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया है 3 + 2√5 को क्या प्रूव करना है, हमें रैशनल प्रूव करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हम वही कॉन्ट्राडिक्शन वाला सिस्टम करेंगे, हम इसको क्या प्रूव करेंगे, पहले मान लेंगे भैया ये रैशनल नंबर है, तब मान लेंगे लेट द नंबर इज रैशनल, मीन्स 3 + 2√5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, या पी अपॉन क्यू मानो, ए अपॉन बी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब बस आपको क्या करना होता है इस तरह क्वेश्चन, आपको सिंपल एक चीज करनी है, जो इस तरह का जो एक नंबर, देखो 3 भी आपका रैशनल होता है नॉर्मली, इंटीजर होता है, 2 भी, आपको सिर्फ उस नंबर के इक्वल बना देना, सबको इधर ट्रांसफर कर दो, सिर्फ जो हमें पहले से ही पता है ये नंबर इरेशनल है उसको बस यहाँ रोक के रखो, बाकी सबको उधर भेजा दो। दैट मीन्स हो जाएगा 2√5 इक्वल्स हो जाएगा ए अपॉन बी, ये प्लस का 3 उस तरफ जाके, अब इसके बाद रूट फाइव, ये मल्टीप्लाई इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, तो अभी इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लें तो थोड़ा सही हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए माइनस 3b अपॉन में b, ठीक है ना। अब इधर रूट फाइव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस 3b अपॉन में 2b, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे a, b, 3 और 2 ये सब आपके इंटीजर हैं, क्या है, मीन्स ये आपके रैशनल हैं, तो ये सभी रैशनल नंबर हैं, बट ये रूट फाइव क्या है आपका, और आपके सभी बाजू में सभी क्या है, इस तरफ लिखे हैं तो ये सब भी किसकी वैल्यू हो गई, रूट फाइव इनके इक्वल है, मतलब ये रूट फाइव के इक्वल होंगे, और ये रूट फाइव के इक्वल है इसका मतलब ये कौन होंगे, इरेशनल, लेकिन हमने तो माना ये क्या है, रैशनल, तो हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो लिखेंगे ए बी 3 2 आर इंटीजर, है ना, विच आर रैशनल नंबर, कौन से नंबर है ये, रैशनल नंबर, बट रूट फाइव कौन है, बट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, रूट फाइव इज, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट फाइव आपका इरेशनल नंबर, इसका मतलब आपको कोई कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अगर है तो मीन्स आपका ये नंबर भी क्या हो गया, इरेशनल। तो लिखेंगे हेंस 3 + 2√5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा आपको, ऑल्सो इरेशनल नंबर। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, बेसिकली अगर मान लीजिए कुछ रूल होते हैं इरेशनल नंबर के, अगर आप किसी भी इरेशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा, अगर आप किसी इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ऑब्वियसली अगर आप उस रूल से देखें तो भी 3 में से अगर मैं देखो √5 इरेशनल, उसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो भी आपको
इरेशनल नंबर ही मिलेगा, और उस इरेशनल नंबर में 3 ऐड करेंगे तो भी आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये आपका इरेशनल नंबर है। तो ये रूल होते हैं। रूल क्या होता है, अगर किसी भी रैशनल नंबर को किसी भी इरेशनल नंबर से ऐड करोगे तो ना आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा आपको इरेशनल। अगर किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से क्या मल्टीप्लाई करो तो भी आपको कौन सा नंबर मिलेगा, इरेशनल। तो उस बेसिस पे भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बट आपको ये पूरा प्रूफ करके बताना पड़ता है, चूंकि ये 4 नंबर में आता है तो इसलिए आपको ऐसे पूरा लिखना होता है। ठीक है, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा विच इज अ कंट्राडिक्शन, दैट्स व्हाई एंड द कंट्राडिक्शन इज अराइजन, सो हेंस 3+2√5 इज इरेशनल नंबर। आए समझ में? तो इसी के साथ आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं 1/√2, 7/√5, 6, जैसे 1/√2 लिखा हुआ है ना, तो इसमें भी आप इसको क्या मान लेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी a/b मान लेंगे। ठीक है, इसको आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो हो जाएगा √2/1 = b/a, तो ये √2 = क्या हो जाएगा, b/a। अब आप देखेंगे √2 इज आपका इरेशनल नंबर है, तो वही पूरा ऐसा का ऐसा ही आपको लिखना होगा। तो ऐसे ही 7√5 आगे है, और 6+2√2 भी आपको ऐसे ही करना है। बेसिकली क्वेश्चन ये नहीं आते आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके √2, √3 और √5, ये जो मेन 3 क्वेश्चन है ये आने ही आने। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए तो आप बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। आगे समझ में? तो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज क्या हो गया, फिनिश। आज वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। एंड हाँ, अगर आप कोई दूसरे नए टॉपिक पर अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।